आज बात करने वाले हैं राशन कार्ड केवाईसी। आपको पता होगा अगर आप सितंबर के महीने में अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो बंद भी हो सकता है, या उसमें से जिस व्यक्ति का आप राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराएंगे उनका जो राशन है वो मिलना भी यहाँ पे बंद हो सकता है। इसके अलावा सरकार हमेशा से चाहती है कि जो भी गलत लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पे राशन ले रहे हैं, और उनका जो राशन कार्ड है वो किस तरीके से बंद हो सकता है, और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है यानी कि जो लोग मर चुके हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उन लोगों का भी लोग यहाँ पे राशन ले रहे हैं। सब लोगों के यहाँ पे केवाईसी सरकार कराना चाहती है तभी यहाँ पे जो लोग मौजूद नहीं है उनका यहाँ पे पता चल सकता है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राशन कार्ड की केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, इसके अलावा राशन कार्ड के और भी अपडेट हैं यहाँ पे, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका एक बार राशन बंद हो गया फिर आप दोबारा से उसको चालू नहीं करा सकते हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को हम शो करते हैं। देखिए, आपको पता होगा 3-4 महीने से राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा खबर यहाँ पर फैल रही है कि आपको राशन कार्ड की ईकेवाईसी करानी है, ईकेवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो बंद हो जाएगा। ये बात एकदम से सही है। सरकार ईकेवाईसी की बार बार क्यों कह रही है, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है लेकिन फिर भी अपना जो राशन कार्ड है वो बना करके यहाँ पर राशन ले रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना भी यहाँ पर सरकार का बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड में जो मेंबर ऐड हैं या तो उनकी शादी हो चुकी है या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है लेकिन उनका भी जो राशन है वो अभी लोग ले रहे हैं। जिसकी शादी हो जाती है उनका वैसे तो नाम कट जाता है लेकिन लोग नाम नहीं कटाते हैं, फिर भी उनका जो राशन है वो लेते रहते हैं। यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड में मौजूद नहीं है, जो पात्र नहीं है, उन लोगों को ढूंढना यही सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे उन लोगों का पता लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे आप केवाईसी कैसे करा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, केवाईसी कराने का सबसे आसान तरीका, आप जहाँ से राशन लेते हैं वहाँ पर आप जाइए, मेंबर जितने भी हैं आपके राशन कार्ड में उन सभी को लेके जाना होगा तभी आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका एक भी मेंबर रहता है और आपने सितंबर तक उनकी केवाईसी नहीं कराई है, जो मेंबर रह जाएगा उसका आपको राशन नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आपके राशन में 5 मेंबर हैं, अगर एक की केवाईसी नहीं होती है तो 4 लोगों का राशन आपको मिलेगा। राशन पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, जिनकी केवाईसी हो जाएगी उनका ही आपको जो राशन है वो मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप प्रवासी मजदूर बोल सकते हैं, जो बेचारे अपने स्टेट से बाहर काम कर रहे हैं और उनका जो राशन है वो यहाँ पे चालू है लेकिन उनको भी केवाईसी करानी है। सरकार ने साफ साफ बोल दिया है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, राशन कार्ड मेंबर हैं, वो कहीं पर भी हों पूरे भारत में, उनके नज़दीक में जो भी राशन की दुकान है, राशन डीलर है, वहाँ पर जाकर अपनी केवाईसी करा सकते हैं और राशन डीलर मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे मजदूर बार बार अगर अपने यहाँ पे आएंगे राशन कार्ड की केवाईसी कराने फिर जाएंगे तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से सरकार ने यहाँ पे इन लोगों के लिए सुविधा रखी है, आप किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी कोने में आप हैं, आप अपनी राशन कार्ड की केवाईसी वहीं से करा सकते हैं जहाँ पर आपके जो राशन डीलर हैं जो राशन बांट रहे हैं सरकारी कोटे से। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको ऑनलाइन केवाईसी नहीं करानी है किसी के भी जरिए। कोई मैसेज आए आपके पास, कोई कॉल आए, व्हाट्सएप पे आपके पास कुछ भी आए, आपको कोई भी केवाईसी नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ते हैं तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है और आप यहाँ पे धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। मैंने बता दिया है कोई भी केवाईसी अगर आपकी होगी तो राशन डीलर के पास ही आपको करानी है, इसके अलावा आप कहीं से मत कराइए। कोई भी आपको कितना भी ऑफर दे आपको नहीं करानी है। अगर आपको कोई डराता है, कोई धमकाता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको किसी को भी कोई भी 1 रुपया नहीं देना है, फ्री में आपकी केवाईसी होगी राशन डीलर पे। ऑनलाइन नहीं करानी है, मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ में सरकार ने एक और आपके लिए अच्छा काम यहाँ पे राशन कार्ड में किया है। देखिए, मान लीजिए आपका जो राशन कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, या आपका जो मोबाइल नंबर है वो पुराना वाला बंद हो गया है, आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। राशन कार्ड धारक जिनके नाम से राशन है अगर वो वहां पे जाते हैं तो वो यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको राशन डीलर के पास मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी लेकिन अब केवाईसी के साथ साथ में यहाँ पे सरकार ने ये भी अच्छा काम कर दिया है कि अगर किसी का राशन कार्ड में मोबाइल नंबर गलत है या बंद हो गया है
तो वो राशन डीलर के पास जाके अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट या चेंज करवा सकता है। यहाँ पे मैंने देखिए आपको सारी जानकारी बता दी है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं करा सकते, किसी के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपके साथ में धोखा हो सकता है। आप ऑल इंडिया के कोने में कहीं भी रह रहे हो, आप अपनी केवाईसी आपके नजदीक में जो भी राशन डीलर है वहां पे आप करा सकते हैं। जिन लोगों की केवाईसी नहीं होगी उनका राशन नहीं मिलेगा, जिन लोगों की केवाईसी हो जाएगी उनको यहाँ पर राशन मिलता रहेगा। पूरी तरीके से कार्ड बंद नहीं होगा, बाकी सारी जानकारी आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो देखने के बाद। अगर आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई समस्या है, आपकी केवाईसी नहीं हो रही है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, किसी भी तरीके की राशन कार्ड से संबंधित आप लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।